अभी तो बहुत भीषण जो है लेवल है पॉल्यूशन का, और करीब करीब सभी लोग उससे सफर कर रहे हैं और परेशान भी हैं, घबराए भी हुए हैं, अस्पतालों में भी लोग बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो खासकर बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, उनके बारे में मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। पिछले साल जब इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी तो सरकार ने कुछ एडवाइजरीज इशू करी थी कि आउट स्कूल में जो है आउटसाइड स्कूल जो है वो गेम्स नहीं होंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, और जो असेंबलीज हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस स्थिति के अंदर अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई भी इस तरीके का निर्देश नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये दो तो बिल्कुल ही इमीडिएटली है कि उनको आउटसाइड एक्टिविटीज ना हो और जो है असेंबलीज ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों को अवेयरनेस भी करनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी आंखों को धोते रहें, मुंह धोते रहें, सुबह आके जो है वो मतलब स्कूल के अंदर जो है कुछ छिड़काव करें जिससे डस्ट ना उड़े, पानी का भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसे आसपास पेड़ों वगैरह में डालें तो उससे भी डस्ट कम हो सकती है। इस तरीके के स्कूल के अंदर जो है मुझे लगता है केयर करने की जरूरत है, जो सरकार जो है मुझे लगता है अभी तक जो है अभी जागी हुई है मतलब।